ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये एग्जाम में पक्का आएगा क्वेश्चन। इसमें वो कहेगा ड्रॉ ग्राफ, देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। पहला कॉन्सेप्ट, इसने बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं बोला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों बोला? हम बाइंडिंग एनर्जी में काम नहीं करते, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में काम करते हैं। रीजन देखो, एक मान लो आपके पास न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ए है, एक न्यूक्लियस बी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो 10 जूल है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 जूल है मान लो, ठीक कुछ भी मान लो। इसमें ये जितनी ज़्यादा बाइंड करने की एनर्जी ज़्यादा होती है उतने न्यूक्लियस स्टेबल होता है, एनर्जी कमज़ोर है तो भाग जाएंगे न्यूक्लियॉन्स, तो अनस्टेबल है। तो आप इन दोनों वैल्यू को देखते हुए आपके मन में आएगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं जिसको संभाला जा रहा है वो भी तो देखना है। मान लो इसके अंदर सिर्फ 5 न्यूक्लियॉन्स हैं तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी बनेगी, 10 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 जूल पर न्यूक्लियॉन। और मान लो इसके अंदर 100 न्यूक्लियॉन्स हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन को संभालने के लिए एनर्जी क्या बनेगी, 1। अब देखो ना, इसको एक न्यूक्लियॉन को एक एनर्जी मिली संभालने के लिए और इसको कितनी मिली, 2 मिली, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्लासरूम के अंदर मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, आप न्यूक्लियॉन्स हैं और मैंने आपको बांध के रखना है, तो आप नंबर 30 हैं, मैं संभाल के रखा हुआ हूँ, लेकिन अगर यही 300 कर दोगे यहाँ पर मेरे से क्लास संभलेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाएगी, मेरी एनर्जी पर स्टूडेंट कम हो जाएगी और 30 बच्चों में ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा हो जाएगी, और 2 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2 में तो मतलब ही नहीं बच्चा भाग जाएगा, 300 में तो भाग भी जाएंगे शायद, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ कैलकुलेशन है। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ड्रॉ करो, एटॉमिक मास नंबर बढ़ता 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 जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ ड्रॉ करो, और ये पर न्यूक्लियॉन जरूर लिखना, और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जूल में नहीं होती, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने ये ग्राफ बनाना है, कुछ पीक शो करनी है और ग्राफ नीचे गिर देना है। तो जो बड़े एलिमेंट्स हैं यूरेनियम जैसे, आपने ये शो करना है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और जो बिल्कुल छोटे हाइड्रोजन जैसे हैं इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। हाइड्रोजन जैसे जो छोटे हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होने का मतलब ये अनस्टेबल है, और ऐसी यूरेनियम जैसे भी जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है वो भी अनस्टेबल है। तो कहेगा कि इस ग्राफ को डिस्कस करो, पहला पॉइंट आपने ये डिस्कस करना है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन इज स्मॉल, यानी हाइड्रोजन जैसों के लिए ये वैल्यू छोटी है। फिर नंबर एटॉमिक मास नंबर 2 से 20 तक देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू हीलियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटसेट्रा। वो कह रहे जी हीलियम ऑक्सीजन कार्बन की शार्प पीक्स हैं, शार्प पीक का मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाई है, और हाई होने का मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है फॉर न्यूक्लियाई विद हायर मास नंबर यूरेनियम जैसे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू घट रही है, कम हो गई, यूरेनियम की कम हो जाती है। और वो क्वेश्चन में पूछेगा ग्राफ डिस्कस करो, ऑब्जर्वेशन डिस्कस करो, एंड ऑल्सो डिफाइन प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो आप ये लिखेंगे कि हायर मास नंबर जो यूरेनियम जैसे कि हायर मास नंबर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कमज़ोर है, कम है, तो उस केस में अगर वो कम है तो वो अनस्टेबल है, और अगर वो अनस्टेबल है तो यूरेनियम को तोड़ना बड़ा आसान है न्यूक्लियस, और अगर वो टूट गया उसमें एनर्जी रिलीज होगी और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिजन। और ऐसी हाइड्रोजन जैसे कि भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कमज़ोर है तो उसको भी तोड़ना आसान है, पर तोड़ के निकलेगा क्या, एक प्रोटोन, कुछ भी ना निकला, लेकिन वो टूट के दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम, तो ये फ्यूजन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनको तोड़ना आसान है। तो दोनों टूट के क्या करेंगे, फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लो होने से फ्यूजन भी हो सकता है, लोअर एटॉमिक मास नंबर में फ्यूजन होगा और हायर एटॉमिक मास नंबर में क्या होगा, फिशन होगा। ये पूरा आपने यहाँ तक एक्सप्लेन करना है, ठीक है यहाँ तक।